ये स्टूडेंट्स, अब आईटी में हम बात करेंगे विंड वाटर। जो वाटर से होता है वो मोस्टली किसके केस में होता है? एक्वेटिक प्लांट्स में, मतलब वो प्लांट जो पानी में रहते हैं उनके केस में होगा। तो ये बहुत ही रेयर होती है, कुछ ही प्लांट्स में पाई जाती है वाटर से। मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट होता है ज़्यादातर बायोटिक के थ्रू ही होता है। जो पोलिनेशन होता है वो पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है वो कौन करते हैं? बायोटिक थिंग्स ही करते हैं, लिविंग थिंग्स ही करते हैं, जैसे एनिमल्स। और एनिमल्स में भी कौन करते हैं? मोस्टली इंसेक्ट्स, क्लियर? क्योंकि उनका खुद का भी पर्पस होता है। कुछ इंसेक्ट्स आपने देखा होगा हनी कलेक्ट करते हैं ना, नेक्टर जो जूस बनता है फूल में, उस जूस को कलेक्ट करते हैं हनी बनाने के लिए। तो वो जो बी जैसे हनी भी होगी, ठीक है, तो वो अपना भी फायदा देखती है। और क्या करती है, जैसे ही वो अपना हनी इकट्ठा कर रही होती है फूल से, तो उसकी बॉडी पर क्या है, पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। चिपचिपे तो होती हैं, स्टिकी होते हैं नेचर में। और वो जैसे ही उसकी बॉडी पर स्टिक कर गए तो वो क्या करते हैं, अब फ्लावर के दूसरे पार्ट पर जाएंगे, स्टिग्मा पर चले जा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, स्टिग्मा पर वो पोलन ग्रेन्स लैंड कर जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मोस्टली जो होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू ही होता है, लेकिन कुछ में क्या होता है, अबायोटिक फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं कुछ प्लांट्स में। तो अबायोटिक फैक्टर्स में हमारे आ जाते हैं विंड और वाटर। एक स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने जो पोलन वायबिलिटी पढ़ी थी, वायबिलिटी क्या होती है कि पोलन ग्रेन्स कब तक जीवित है, कितना टाइम पीरियड तक वो लाइफ है कि वो फंक्शनल रह सके, ठीक है, जब तक वो फंक्शन है तब तक ही। तो वायबिलिटी हमने पढ़ी थी, किसी में डिपेंड करती है स्पीशीज टू स्पीशीज, किसी में जो है आधे घंटे की होती है, 30 मिनट्स की, किसी में ये 2 आवर्स तक की होती है, और किसी स्पीशीज में जो है ये मंथली भी होती है, मंथ वाइज। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको प्रिजर्व कहाँ रखते हैं, जैसे सीड बैंक होते हैं सीड प्रिजर्व रखते हैं, वैसे पोलन बैंक्स भी होते हैं जहाँ फ्लावर पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व रखते हैं। क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो है बहुत ज़्यादा एज अ फूड सप्लीमेंट्स भी उनको यूज़ किया जाता है मार्केट में, उनकी टैबलेट्स दी जाती हैं। चाइना में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था पोलन ग्रेन्स को, टैबलेट्स फूड सप्लीमेंट्स की फॉर्म में जो है उनको देते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। क्लियर? तो ये आपको पता होनी चाहिए कि पोलन ग्रेन्स यूजफुल भी होता है, वो फर्टिलाइजेशन तो करता ही है, न्यू प्लांट्स तो बनाता ही है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए भी उसका क्या रोल होता है, क्योंकि उसके अंदर एनरिचिंग फूड मटेरियल, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट फूड होता है उसके अंदर, अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल उसमें रिजर्व रहता है, जिसे एज ए उसको फूड सप्लीमेंट भी यूज करते हैं मार्केट में। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स पोलिनेटिंग एजेंट्स, मतलब कौन से एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करा रहे हैं। क्लियर? कौन कौन से एजेंट्स ट्रांसफर करा रहे हैं पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा पर? बायोटिक का मैंने बता दिया आपको, अबायोटिक से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्टली आता है विंड, सेकेंड वाटर। वाटर मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में हमारा आ जाता है वेलिस्नेरिया में आपको देखने को मिलती है, वाटर लिली में आपको देखने को मिलती है, ब्रियोफाइट्स। तो ये प्लांट्स में जो है हमें देखने को मिलती है, जहां जहां वाटर प्रेजेंट होगा वहां जो पोलिनेशन होती है वो वाटर से होती है, जहां एक्वेटिक प्लांट्स होंगे। सेकेंड आ जाता है, फर्स्ट अब आ जाता है विंड। विंड मतलब क्या है, हवा। हवा से जो पोलिनेशन हो रही है, जो पोलन ग्रेन्स हवा से उड़ के एक फ्लावर से उसे स्टिग्मा पर चले जाते हैं, तो उस पोलिनेशन को क्या बोलते हैं, विंड पोलिनेशन। उसमें एजेंट क्या था, विंड, हवा थी, फ्लो ऑफ एयर, जब फ्लो होता है एयर का। तो इसमें क्या होता है, विंड जो हम हवा से जो ट्रांसफर होता है, हमने देखा होगा ग्रासेस के केस में कॉमन होती हैं, जो ग्रासेस होते हैं ना, घास जो होती है उसमें बहुत कॉमन मिलती है विंड पोलिनेशन। और कॉर्न के केस में इसमें, लेकिन एक दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कुछ पोलन ग्रेन्स की, जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो फर्स्टली लाइट होने चाहिए, वेट में हल्के होंगे तभी तो हवा से उड़ पाएंगे, तो वो हल्के होने जरूरी है वेट में। सेकेंडरी थिंग क्या है कि वो चिपचिपे नहीं होने चाहिए, क्योंकि चिपचिपापन भी उसका वेट बढ़ा देती है। सेकंड क्या होता है, मूवमेंट इजीली नहीं हो पाती। अब आपको पता है ये तो नहीं है जरूरी कि भी जो हवा है वो स्टिग्मा पर ही लेकर जाएगी, ये पहले ही ऐसे डेवलपमेंट जो की गई है फ्लावर्स की, कि भाई
न्यू प्लांट्स तो बनना ही है, तो क्या कुछ ऐसा उसमें ऐड किया जाए जिससे न्यू प्लांट भी बन जाए और वेस्टेज भी ना हो। तो ये जो वेस्टेज होती है पोलन, अब जब विंड से, अब देखो ये इधर देखो आप अच्छे से, ये जो एंथर है ठीक है, एंथर से फूल किसके ऊपर जा रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं पोलन ग्रेन्स। इस फूल के एंथर से जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन से जा रहे हैं तो हवा से जब जा रहे हैं तो आपको पता है वो इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स का नंबर होता है प्रोड्यूस होने का वो बहुत ज्यादा होता है। तो वो जिससे क्या होता है कि कुछ पोलन ग्रेन्स तो यहाँ जाएंगे ही स्टिग्मा पर, कुछ इधर चले गए उधर चले गए, कुछ पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पर भी जाते हैं। चांसेस विंड पोल्यूशन में चांसेस कम बेशक होते हैं लेकिन फिर भी क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये थोड़े इनके चांसेस कम ही रहते हैं कंपैरेटिव टू बायोटिक की, ये बहुत कम होते हैं। ज्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात की ज्यादा प्लांट्स की, तो उनमें बायोटिक फैक्टर्स ज्यादा होते हैं। तो हवा से भी ट्रांसफर होने को क्या बोलते हैं, विंड पोलिनेशन। ये ग्रासेस में कॉमन होती है। और एक हम बात करते हैं कॉर्न कॉब की, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, टेजल्स, इनमें टेजल्स प्रेजेंट होते हैं। टेजल्स कुछ नहीं होता, टेजल्स जो है स्टिग्मा और एंथर को ही बोलते हैं, जो फीमेल के जो एंजियोस्पर्म्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म फ्लावर्स को ही बोल रहे हैं हम। तो उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन और ओवरी पिस्टिल जो होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं, टेजल्स बोलते हैं। तो उनमें भी क्या होता है, ट्रांसफर हो जाना विंड से एंथर टू स्टिग्मा, तो इसको बोलते हैं विंड पोलिनेशन। अब आ जाता है वाटर से। कुछ प्लांट्स आपको पता है वाटर में क्या करते हैं, कुछ होते हैं सबमर्ज होते हैं जो पानी के अंदर, ये पानी है ठीक है, तो वाटर के अंदर जो है वो सबमर्ज होते हैं, मतलब पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं प्लांट्स। तो उनके अंदर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ रिलीज हो जाते हैं, जो पोलन ग्रेन्स है ना वो पानी में रिलीज हो जाते हैं, और स्टिग्मा भी उनका कहाँ होता है, पानी में ही होता है। तो वो पानी में ही पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वाटर पोलिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं, वाटर पोलिनेशन। ये कुछ ही प्लांट्स में होते हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर ही रहते हैं, सरफेस पर भी नहीं आते। लेकिन वो प्लांट्स जिनमें क्या होता है वो सरफेस पे आते हैं, जैसे वेलिसनेरिया के केस में ठीक है, जो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं उनमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स एंथर से जो स्टिग्मा पर जाते हैं उनमें जो पोलिनेटिंग एजेंट्स है वो विंड भी हो सकता है, इंसेक्ट्स भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। क्लियर, विंड भी हो सकता है, इंसेक्ट्स भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। और अगर जो हम बात करें विंड और वाटर के कंपैरिजन में, तो जो पोलिनेशन है वो विंड से ज्यादा होती है कंपैरिजन टू वाटर। क्लियर, जो हवा से पोलिनेशन है वो ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू वाटर, लेकिन इन दोनों को कंपैरिजन में ज्यादा किससे होती है, बायोटिक से ही होती है, मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू ही पोलिनेशन पॉसिबल है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, तो आपने पढ़ लिया ये एक्वेटिक वाटर से कैसे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, विंड से कैसे ट्रांसफर होते हैं, कुछ होते हैं जो पानी के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ होते हैं जो सरफेस पे आकर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हम बायोटिक फैक्टर्स को भी अच्छे से क्लियर समझेंगे। अब इसमें क्या होता है, एनिमल्स में इंसेक्ट्स, बीज, हनी भी आ गई, वो रिस्पॉन्सिबल है। पता क्या, इनमें जो फ्लावर्स होते हैं ना वो एक, जैसे जो फ्लावर है वो रिवॉर्ड देते हैं इंसेक्ट्स को ठीक है। एक फ्लावर जैसे यहाँ एंथर है और ये क्या है, स्टिग्मा, जिस पर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा, ये पोलन ग्रेन से ये इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे स्टिग्मा पे। तो इसमें इस कंडीशंस में क्या होता है, एक बार तो ये होता है फैदर्स इस पे प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे पोलन ग्रेन्स आएंगे वो उसको ट्रैप कर लेंगे, जिससे क्या होगा, पोलिनेशन हो जाएगी। सेकेंडरी थिंग यहाँ आती है कि कुछ फ्लावर होते हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं इंसेक्ट्स की कि जिनको फूलों से फायदा होता है, मतलब वो उनके लिए पोलिनेशन कर रहे हैं तो वो अपना भी कुछ फायदा कर रहे हैं।
ठीक है, जैसे बी है, हनी बी की बात करें हम, उनको एक रिवार्ड मिलता है फ्लावर से, उसको रिवार्ड भी बोलते हैं, इनाम दे रहे हैं फ्लावर उनको, क्या कि वो उनसे क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं, नेक्टर, जूस कलेक्ट करते हैं ना उनसे। सेकंड प्लेस फॉर लेइंग एग, फॉर लेइंग एग, वो उनको ऐसा सेफ प्लेस भी देते हैं जहां वो अपना एग जो है रख सकते हैं, जहां वो अपना एग को रख। यस, अब ये देखो जो नेक्टर, इसमें जो फ्लावर जो रिवार्ड देते हैं वो एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, वो कौन कौन से हो सकते हैं रिवार्ड्स? नेक्टर जूस जिससे वो हनी बनाएंगे। सेकेंडरी थिंग क्या होता है? पोलन ग्रेन्स। थर्ड प्लेस फॉर लेइंग एग, क्लियर। अब ये सब प्रॉपर्टी, ये सब होने के लिए कि उनको जूस भी मिल जाए, पोलन ग्रेन भी ले ले एनिमल्स और अपने एग भी दे दे, तो वो कैसे इंटरेक्ट हो गए, जो प्लांट्स की तरफ आएंगे वो फ्लावर्स की तरफ कैसे इंटरेक्ट होते हैं? आपको पता है जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, कुछ पिंक कलर के होते हैं, कुछ येलो कलर के होते हैं, जिनकी तरफ हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इंसेक्ट्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, और जब वो अट्रैक्ट होंगे तो क्या करेंगे, उस पे से अपना जूस सिक्रेट कर लेंगे, जूस ले लेंगे। और जब वो अपना काम कर रहे होते हैं, जब वो एंथर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, इंसेक्ट्स, कोई भी इंसेक्ट्स है, जब वो एंथर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ये इंसेक्ट है, हनी बी की बात कर रहे हैं हम, जैसे वो एंथर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना जो नेक्टर है, जो जूस है, वो लेना शुरू कर देते हैं यहाँ से, लिक्विड जूस। और जब वो जूस ले रहे होते हैं तो उनकी बॉडी पे है पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, ये पोलन ग्रेन ना उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, स्टिकी तो होते हैं तो वो उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। अब ये इंसेक्ट अट्रैक्ट किसकी वजह से हुआ था, कलर्स की वजह से, फूल का कलर ही इतना अट्रैक्टिव था जिससे वो इंटरेक्ट हो गया, अट्रैक्ट हो गया, और फिर क्या हुआ, इस पर उसने जूस लिया अपना, और क्या हो गया, पोलन ग्रेन्स इस पर चिपक गए। अब ये जो इंसेक्ट है ये कहाँ जा सकता है, स्टिग्मा पर जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पोलन ग्रेन्स जो लैंड कर जाएंगे, आ जाएंगे ना, फिर क्या होगा, आगे हमारी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इंसेक्ट से भी क्या होता है, पोलिनेशन होता है, और जो प्लांट है, जो फ्लावर है, वो बदले में उसको क्या देता है, जूस भी प्रोवाइड करता है जो हनी बनाने में हेल्प करेगा, पोलन ग्रेन्स भी मिल जाते हैं उसको, एज अ फूड भी उसको मिल जाता है, फूड सप्लीमेंट। थर्ड प्लेस फॉर लेइंग एग, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें, जिनकी जो ओवरी होती है उसमें बहुत स्पेस होता है, जहां वो अपना जो इंसेक्ट है वो अपने एग दे देता है, और फिर क्या होता है, जैसे वो एग मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो फ्लावर बाहर आ जाते हैं फ्लावर से। ये स्टूडेंट्स, तो अगर जो हम बात करें प्लांट की, इधर एमर्फोफेलस एक फ्लावर है, एमर्फोफेलस एक फ्लावर है, ये जो फ्लावर होता है ये 6 फीट होता है हाइट में, ये जो इसकी हाइट होती है ना 6 फीट का होता है ये हाइट में, सबसे लॉन्गेस्ट फ्लावर होता है ये, लॉन्गेस्ट फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये बहुत बड़ा फ्लावर होता है एमर्फोफेलस, कौन सा, एमर्फोफेलस। तो ये जो फ्लावर होता है इसमें जो, जब इंसेक्ट्स इसके ऊपर बैठता है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करने के लिए या फर्दर नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, तो वो अपने जो एग है वो इसकी ओवरी के अंदर एग दे देते हैं, वो जो एग होते हैं ना वो अपने एग इसकी ओवरी के अंदर दे देते हैं, ठीक है। तो जब वो एग मैच्योर हो जाएंगे तो जैसे ही जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होगा, तो वैसे ही ये जो एग होते हैं ये मैच्योर होके या तो लार्वा बनाएंगे या फिर जो न्यू ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप हो जाएंगे, क्लियर, या तो लार्वा या न्यू ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप हो जाएंगे। ये तो हमने पढ़ा एमर्फोफेलस का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल की अगर जो हम बात करें, आपको एक ओवरव्यू पता चल गया इसमें अच्छे से कि कैसे ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का। अब अगर जो हम बात करें इसमें, एक और हमारे पास स्पीशीज का कॉम्बिनेशन है, मोथ और यूका प्लांट।
कुछ फ्लावर ना स्पेसिफिक होते हैं कि उन फ्लावर कुछ ऐसे स्पेसिफिक होते हैं कि उन फ्लावर पर ना वही इंसेक्ट्स जाकर जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। जैसे यूका प्लांट है, मोथ स्पेसिफिक है, मोथ के लिए ही स्पेशल है कि मोथ जब उसके ऊपर जाएगी तब वो ट्रांसफर कर देगी पोलन ग्रेन्स का। और इन दोनों का, ये दोनों एक दूसरे से इतने इंटरेक्ट है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। कि अगर जो ये यूका प्लांट ना हो तो मोथ की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, और अगर जो मोथ ना हो तो यूका प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, डिपेंड कर रहे हैं। कैसे? जो यूका प्लांट है उसको तो क्या कराना है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर कराना है यूका प्लांट को तो, ठीक है। अब जो यूका प्लांट पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करा रहा है जिस मोथ से, वो मोथ क्या करती है, इसकी ओवरी में क्या दे देती है, अपने एग, जो ओवरी है ना पिस्टिल की, जो ओवरी है उस, इस यूका प्लांट की जो ओवरी है उसके अंदर क्या दे देती है, अपने एग दे देती है, क्लियर। अब इसमें ओव्यूल्स भी प्रेजेंट है, इसमें क्या भी है, ओव्यूल्स भी है, और इसमें क्या भी होगी, एग भी हो गए मोथ के, मोथ एग ऑफ मोथ, क्लियर। तो ये जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जैसे यूका प्लांट है वो मोथ पर ही निर्भर करता है, तो ओवरी जो है ओवरी के अंदर ये अपने एग दे देती है, तो जैसे ही ओव्यूल है वो कन्वर्ट होता है सीड में, ठीक है। जब ओव्यूल कन्वर्ट होता है, जैसे ही ये आगे डेवलपमेंट होती है, पोलिनेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो जब ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, तो ये जो मोथ का एग होता है ना, मोथ एग, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वा में, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वा में। और जो लार्वा होता है फिर वो फूल से बाहर आ जाता है, क्योंकि पूरा प्लांट तो क्या हो जाता है, वो खत्म होना शुरू हो जाता है, वैसे ही जो लार्वा बना था वो बाहर आना, वो बाहर आ जाता है मोथ का, क्लियर स्टूडेंट। तो कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक इंसेक्ट्स के लिए। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा पोलिनेशन, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन, पोलिनेटिंग एजेंट्स विंड से होती है, वाटर से होती है, और ज़्यादातर तो किससे होती है, बाइटिंग एनिमल्स से, और एनिमल्स में भी ज़्यादा इंसेक्ट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोलिनेशन के लिए, क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक अच्छे से पढ़े इस लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, क्लियर। जो आपकी सेकेंड, जो अब आपकी क्या हो गई, यहाँ तक पोलिनेशन हो गया, अब पोलिनेशन पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन भी हो गया, अब इसमें नहीं, इसके बाद जो होगा पोलन और पिस्टिल, अब जो आगे होगा फर्टिलाइजेशन, कि जैसे ही स्टिग्मा पर आए पोलन ग्रेन्स, फिर क्या होगा, इंट्रैक्ट होने पर पोलन ट्यूब बनी, वो मेल गैमिट को फ्यूज कराएगी फीमेल गैमिट से जो ओव्यूल के अंदर है, क्लियर। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक आप अच्छे से हर लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करो, क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।